नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पेयर्ड एप्लीकेशन में जो नया अपडेट आने के बाद हमारा सबका बैलेंस जो भी था वो लॉस्ट हो गया था, वो कैसा वापस मिलेगा, वो मेरा मिला है वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो पहले इसमें अपडेट के बाद कौन कौन से नए फीचर आए हम ये जानेंगे। ऑटो रिफंड यानी फेलियर ट्रांजेक्शन, यानी पहले जब भी रिचार्ज करते थे फेल होता था या पेंडिंग में रहता था तो जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन अभी ऑटो रिफंड होगा। न्यू बैकअप फॉर इमरजेंसी मनी ट्रांसफ़र, और अभी मनी ट्रांसफ़र भी सक्सेसफुली चल रहा है, पहले सक्सेसफुली नहीं चलता था। नोटिफिकेशन सर्विस है और फ्लाइट बुकिंग परफेक्टली वर्किंग है। गिफ्ट वाउचर, मनी ट्रांसफ़र, ऑल बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज चालू है। और इसमें आपको बताया गया है प्लीज़ यूज़ रिचार्ज प्लान्स फॉर 99% जो सक्सेस रिचार्ज होते हैं वही रिचार्ज आप करें, इसमें से वो सक्सेस होंगे 100%। अभी हाँ ओपन पर क्लिक करके ओपन करेंगे हम, और इसमें पेयर्ड में हमारा जो लॉस्ट किया हुआ बैलेंस था वो हमें मिला है वो हम देखेंगे। ओपन हो रहा है एप्लीकेशन, तभी तक वेट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और ERD टोकन PRD के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी बारे में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपका बैलेंस दिखेगा। यहाँ आपका नाम, नंबर और वैलिड बैलेंस है 12 रुपीज़ 70 पैसे। हिस्ट्री में आपकी हिस्ट्री दिखेगी, अभी हिस्ट्री में मेरा 1127 रुपये जा जो लॉस्ट हो गया था वो बैलेंस आया, लॉस्ट इन पेयर्ड बैलेंस कल आ गया मेरा 11 तारीख को, देखो ये क्रेडिटेड हो गया है। और उसके बाद मैंने रिचार्ज करके देखे थे जियो के, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ, रिचार्ज फेल हो गए। और फेल होने के बाद फिर रिवर्स हो गया, ऑटोमेटिक रिवर्सल, मैंने जो आपको बताया ना ऑटो रिफंड होगा कोई भी ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो ऑटोमेटिक रिवर्स होता है। और उसके बाद मैंने दूसरे भी रिचार्ज किए थे लेकिन फेल हो रही थी, इसलिए मैंने मनी ट्रांसफ़र किया डायरेक्ट। 1100 रुपये मनी ट्रांसफ़र करने के बाद 15 रुपये चार्जेस लगा और 1100 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया मेरे अकाउंट में, बैंक ऑफ इंडिया में, मेरा अकाउंट नंबर है। अभी 1100 रुपये सक्सेस हो गया, इधर 1100 रुपये दिखा रहे ट्रांजेक्शन अमाउंट, और डेबिट अमाउंट है 1115 रुपये, क्योंकि 1115 रुपये डेबिट हो गया मेरे अकाउंट से। तो इसके बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हो, आपको और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। और आपका बैलेंस वापस नहीं आया तो वापस लाने के लिए आपके सीनियर से कांटेक्ट करें, या पेयर के या ERD टोकन में टिकट ऑप्शन है टिकट जनरेट करने का, उधर जाके आप टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। आपको टिकट जनरेट करने का नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करें नीचे, मैं आपको कमेंट करके बताऊँगा, या इसके लिए नया वीडियो बनाऊँगा टिकट कहाँ से क्रिएट करना या प्रोफाइल में कौन से चेंज करना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों वीडियो।